दोस्तों आज हम बनाएंगे हलवाई से भी बेहतर टेस्ट की मूंग दाल की कचौड़ी। पहले आप कचौड़ी की टेक्सचर देखिए और ये देखिए ये कचौड़ी कितनी खास्ते बनी है और इसके अंदर स्टफिंग भी एकदम से भरे हुए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपके कचौड़ियाँ भी हलवाई से कई गुना बेहतर टेस्ट की होगी। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप किए हुए पूरे देख लेते हैं तो कभी भी आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मतलब ध्यान से अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एक्सपर्ट की तरह आप पहले बार में ही एकदम परफेक्ट और टेस्टी कचौड़ी बना के तैयार करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो सबसे पहले हम कचौड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है 2 कप मैदा और साथ में डालेंगे 1 छोटे चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच चीनी और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इन सभी चीजों को आपस में एक बार मिला लेंगे। ये चीनी और ये लाल मिर्च पाउडर डालने से कचौड़ी के जो बाहर के पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप भी ये ट्रिक्स को जरूर ट्राई करना। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच मेल्टेड घी और इस घी को भी मैदे के साथ बड़े अच्छे से ऐसे मिलाना है, क्योंकि ये घी जितने अच्छे से मैदे के साथ मिल जाएगा हमारी कचौड़ी भी उतना ही खास्ता बनेगा। आप चाहे तो दोनों हाथों से भी इसे मिला सकते हैं। बस इतना याद रखना, घी को बहुत अच्छे से आपको मिलाना है, तभी कचौड़ी हलवाई से भी बेहतर बनेगी। घी मिलाने के बाद आप ऐसे मैदे की मुट्ठी बनाकर देख ले, अगर ऐसे मुट्ठी बन रहा है तो वो एकदम सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। दोस्तों ये डो को हमें बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं बनानी है और रोटी या पराठे के लिए जैसे सॉफ्ट आटा गूंथते हैं उतना सॉफ्ट भी नहीं रखना है। और पानी को भी आप ऐसे थोड़े थोड़े करके ही डो को बाइंड करते हुए डालना, एक बार में मत डाल देना। इसे आपको अंदाजा हो जाएगा और आपका डो भी परफेक्ट बन के तैयार होगा, क्योंकि ये कचौड़ी को परफेक्ट बनाने के लिए और स्टोर करके रखने के लिए ये डो को परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये देखिए डो हमारा बन चुका है और ना तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। अब इसे एक गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि इसके ऊपर के परते सूख ना जाए और इसे ढक के थोड़े देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कचौड़ी की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मूंग की दाल लिए है, इसे मैंने अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखे थे और अब इसका सारा पानी छान के लिए है। अब इस पूरे दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे और ढक्कन को बंद करके इसको दरदरा पीस लेंगे। मतलब मिक्सी को हमें सिर्फ 5 से 6 सेकंड ही चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। इससे ज्यादा अगर चला देंगे तो दाल का पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा कि दाल कैसे दरदरा पीसा है। कुछ कुछ दाल तो यहाँ पे साबुत भी रह गया। हमें बिल्कुल ऐसे ही दाल चाहिए कचौड़ी के स्टफिंग के लिए। अब दाल को साइड में रखते हैं और मसाला बना लेते हैं। तो इस पैन में लेंगे करीबन 1.5 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा, करीबन 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया और 2 सूखी लाल मिर्च। अब इन सभी चीजों को लो फ्लेम पर कुछ देर तक भून लेंगे। इसमें हमें तेल या घी कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ड्राई रोस्ट ही करना है जब तक इसमें से एक बहुत अच्छी मसाला भूनने वाली खुशबू ना आ जाए। और भूनने के बाद आप देखना इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कलर चेंज भी नहीं करना है। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है और कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है और खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। अब इसे इस बोल में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर इसको भी पीस लेंगे। मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसे इस मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे भी दाल की तरह ही दरदरा पीस लेंगे। क्योंकि ये मसाला कम क्वांटिटी में है तो मिक्सी में इसे बस 3 से 4 सेकंड के लिए ही चलाना है। ये देखिए मसाला भी दरदरा ही पीसा है, मतलब कुछ मसाला देखिए यहाँ पे साबुत है और कुछ पीस चुके हैं। ऐसे दरदरा मसाले से ही कचौड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आप भी मसाला को पाउडर मत करना। अब स्टफिंग के लिए इसी पैन में लेंगे 3 बड़े चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हींग और 4 बड़े चम्मच बेसन और लो फ्लेम पर हम इन दोनों चीजों को 5 मिनट के लिए भून लेंगे,
ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। और बेसन को भूनते वक्त अगर उसमें गुठलियाँ पड़ जाए तो स्पैचुला से दबाते हुए अब जरूर गुठलियों को खत्म कर देना। और स्टफिंग में ये बेसन को आप स्किप मत कर देना, क्योंकि बेसन से स्टफिंग में बाइंडिंग आती है और कचौड़ी में भी इसका टेस्ट काफी अच्छे लगते हैं। तो देखिए, बेसन भून चुके हैं, अब इसमें जो भुने हुए मसाला हमने पीस के रखे थे वो डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, ऐसे हाथों में लेके क्रश करके डाल देंगे। और अब ये जो दाल को हमने पहले से ही पीस के रखे थे उसे भी डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही इन सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिला देंगे। इस स्टफिंग में ना तो मैंने अदरक डाले हैं, ना तो हरी मिर्च डाले हैं और ना ही धनिया पत्ती डालेंगे। तो इस स्टफिंग को बनाने के बाद उसे ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में अगर आप फ्रिज में रखते हो तो 12 से 15 दिनों तक आराम से ये ठीक रहेगा। और ये स्टफिंग से बने हुए कचौड़ियों को भी आप 20 से 25 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 छोटे चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ऐसे हाथों में लेके क्रश करके डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को भी स्टफिंग के साथ अच्छे से मिला देंगे। स्टफिंग में आप चीनी और चाट मसाला जरूर डालना, इसे खट्टा मीठा एक टेस्टी स्वाद आता है जो आपके कचौड़ियों को हलवाई से भी बेहतर बना देगा। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस मत डाल देना, इसे आप कचौड़ी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट में इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे भी अच्छे से एक बार मिला देंगे। आप चाहे तो गैस ऑफ करके भी गरम मसाला मिला सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे टेस्टी स्टफिंग बन गए है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, स्टफिंग पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब कचौड़ी बना लेते हैं। तो इस ढक्कन को हटाएंगे और इस कपड़े को भी हटा देंगे और इस आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे। आप चाहे तो आटा और मैदा मिला करके भी इस डो को बना सकते हैं। अब इस डो से लोइया तोड़ लेंगे और 4 बॉल्स बना लेंगे, क्योंकि पहली दफा में हम 4 कचौड़ियां ही तलेंगे। ये देखिए, नींबू के साइज के बॉल्स हमने बना लिए हैं। अब हाथों से ऐसे मसलते हुए बॉल को थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा ऐसे छिड़क के ऐसे घुमा घुमा के इस बॉल का एक कटोरी बना लेंगे। ये कटोरी तैयार करने के लिए सिर्फ एजेस को ही उंगली से दबाते हुए घुमाना है। बीच वाले पोर्शन थोड़ा मोटा ही रखना है ताकि तलते वक्त कचौड़ी तेल में फटे नहीं और स्टफिंग भी बाहर न निकले। ये देखिए, बॉल से कटोरी हमने बना लिए है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और ऐसे स्टफिंग को दबाते हुए चारों ओर को ऐसे समेटते हुए एक जगह लाएंगे और अच्छी तरह से इस मुंह को बंद कर देंगे। और बॉल को उल्टा करके ऐसे गोल गोल घुमाते हुए कटोरी के मुंह को सील कर देंगे। ये देखिए, ये कितने अच्छे से सील हुई है। अब हाथों में लेके ऐसे थोड़ा सा दबाते हुए फ्लैट कर देंगे। ये देखिए, ये कचौड़ी बन गया और इसका मुंह भी अच्छे से सील हुई है। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे। और अब आपको एक दूसरे प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। अगर आपको कटोरी बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसे बॉल को एक सरफेस में रखिए और थोड़ा सा मैदा छिड़क के उसे बेल के एक छोटा सा पूरी बना ले। लेकिन ध्यान रखना, इस पूरी को हमें साइड से ही बेलनी है, बीच वाले पोर्शन को थोड़ा मोटा ही रखना है। ये देखिए, पूरी कितने अच्छे से तैयार हो गया और इसके थिकनेस भी आप देख लीजिए। अब इसके बीच में भी थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे और ऐसे दोनों साइड के एजेस को पहले भुजिया की तरह बंद कर लेंगे और अब दूसरे 2 पोर्शन को एक साथ लाके कटोरी के मुंह को बंद करके अच्छे से सील कर देंगे और पहले की तरह ही हाथों में घुमा घुमा के इसका मुंह को लॉक करके हथेलियों से थोड़ा सा दबा के कचौड़ी बना लेंगे। ये देखिए, ये कचौड़ी भी बन गया।
अब ऐसे ही चार कचौरी एक साथ बना लेंगे। और अब इस चार कचौरी को पहले हम तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को हल्का सा गरम कर लिया है। अब इसमें छोटे से आटे की लोई डालेंगे और ये देखिए इसमें से हल्का सा बबल उठ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा तैयार है। इससे ज्यादा तेल को हम गरम नहीं करेंगे। अब इसे निकाल लेंगे और चार कचौरियों को इस हल्के गरम तेल में एक एक करके डाल देंगे और एकदम से लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तेल में डालने के बाद तुरंत ही हम इसे चलाएंगे नहीं, जैसे जैसे कचौड़ी फ्राई होगा वो अपने आप ही तेल के ऊपर तैरने लगेगा। ये देखिए कचौड़ी तेल के ऊपर आ चुके हैं। आप इसे पलट देंगे और ऐसे ही उलट पलट करते हुए कचौड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये कचौड़ियाँ तलने में आपको थोड़ा टाइम तो लगी जाएगा, तो हड़बड़ी में आप कभी भी फ्लेम को मीडियम या हाई मत कर देना। इससे कचौड़ी की तो ऊपर की परतें सीख जाएगी लेकिन अंदर की परतें उसके कच्चे ही रह जाएगा, तो कचौड़ी उतनी खास्ता तो नहीं बनेगी और आप इसे स्टोर करके भी नहीं रख पाओगे। ये देखिए कचौड़ी कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर रखे हैं क्योंकि इसके सारे एक्स्ट्रा तेल ये पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स दे रही हूँ कि दूसरे बैच डालने से पहले गैस को ऑफ करके तेल को हमें ठंडा करके लेना है, क्योंकि अभी तो तेल बहुत गर्म है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कचौड़ी तलने के लिए हमें जस्ट हल्के गर्म तेल ही चाहिए। और अब बाकी डोक से भी हम कचौड़ियों को बना के फ्राई कर लेंगे। चाहे तो आप कटोरी बना के कचौड़ी बनाइए या फिर बेलन से बेल के, आपको जो प्रोसेस अच्छे लगे या फिर इजी लगे उसी से बनाइए। दोनों प्रोसेस में ही कचौड़ी सेम टेस्ट, लुक्स और टेक्सचर की बनेगी। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे ही सारे रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले नए रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।